तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल को जमानत पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए पहुंच गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, बताया गया इस वक्त क्या मनाजिर है यहाँ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शहबाज गिल, जिनके खिलाफ इदारों में बगावत का मामला दर्ज किया गया था, उस हवाले से आज उनको चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानब से जमानत मिली है, जिसके बाद उनको अब से कुछ देर पहले यहाँ से जेल के बाहर से रिहा किया गया और जेल में उनके कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तहम लोकल रावलपिंडी से कोई भी जो अहम लीडर था वो नहीं था, लेकिन उसको नहीं था ताकि उनको रिसीव करने के लिए। तहम उनके जो दीगर दोस्त थे या पार्टी के दीगर कारकुनान थे जिनका इस्लामाबाद से या दूर शहरों से तल्लक था, वो यहाँ पे आए और उनको बाकायदा तौर पर उन्होंने फूल की पत्तियां निछावर की। और हमने जब उनसे कहा कि यहाँ पे मीडिया टॉक होगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि खान साहब की हिदायत के बाद जो है वो अपना रायमल तैयार करेंगे। सबसे पहले जो है वो इमरान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान, उनसे मुलाकात करेंगे। और अब से क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ से वो रिहा हुए और यहीं से वो पहले जो बताया जा रहा है कि वो बनीगाला जाएंगे, जहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से वो मुलाकात करेंगे और अगला जो उनकी जो तरतीब जो प्लान होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। ताहम दूसरी जानब यहाँ पे कारकुनान हमने देखा कि रावलपिंडी से कोई मकामी कारकुन या इस्लामाबाद का कोई अहम अहदेदार शहबाज गिल को यहाँ पे रिसीव करने नहीं आया, लेकिन जो मकामी क्यादत थी वो यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे बाकायदा तौर पर नारेबाजी की, उन पर गुलपाशी की उनकी गाड़ी पर, और हमने उनको ये भी कहा कि अगर शहबाज गिल को बाहर आए वो एक दफा हाथ हिला दें कारकुनों को, लेकिन उन्होंने कहा कि जी इस हवाले से बिल्कुल खान साहब की सख्ती से हिदायत है कि वो बाहर नहीं आएंगे और हाथ नहीं लाएंगे। ताहम वो बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने अपडेट किया।